मुरादाबाद जनपद के केजी के कॉलेज में पिछले 5 वर्ष से वेट लिफ्टर के क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रही वेट लिफ्टर तानिया कश्यप को अपना दमखम दिखाने का मौका मिला है। दरअसल 15 से 22 जून तक हिमाचल के नगरोटा में होने वाली खेलो इंडिया नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए तानिया कश्यप का चयन हो गया है। तानिया कश्यप का 59 किलोग्राम भार वर्ग में खेलो इंडिया वुमेन रैंकिंग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के खिलाड़ियों की सूची में नाम आ गया है, जिसके बाद से वेट लिफ्टर तानिया कश्यप के हौसले बुलंद है। वे सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रैक्टिस में जुट गई हैं। वहीं इससे पहले भी तानिया प्रदेश स्तर पर 2 बार पदक प्राप्त कर मुरादाबाद का नाम रोशन कर चुकी हैं। वहीं तानिया को खेलो इंडिया नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सफलता मिले, इसके लिए उनके कोच और उनके पिता सर्वेश कश्यप वेट लिफ्टिंग की हर छोटी से छोटी बारीक टेक्निक को तानिया को सिखा रहे हैं, ताकि प्रतियोगिता के दौरान कहीं कोई चूक ना हो जाए। तानिया के पिता भी पूर्व में वेट लिफ्टर और यूनिवर्सिटी चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन एक घटना के दौरान वे घायल हो गए और उनका सपना साकार नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने अपना सपना साकार करने के लिए बच्चों को चुना है। सर्वेश कहते हैं, अगर उनके सिखाए बच्चे देश में उनका नाम रोशन करते हैं तो उनका सपना साकार हो जाएगा। वहीं वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी तानिया का कहना है कि वे 2 बार स्टेट खेल चुकी हैं। खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल लाना और भविष्य में ओलंपिक में गोल्ड लाकर अपने पापा और कोच का सपना पूरा करना उनका लक्ष्य है। मैं बहुत परिश्रम करती हूँ और मैं इसी चीज़ में आगे जाना चाहूँगी और मैं अपने पापा के सारे सपने पूरा करना चाहूँगी और आगे ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। वो तो जो सर मतलब पापा कराते हैं वही डेली। पापा का सपना है कि मैं वेट लिफ्टिंग में आगे जाऊं ओलंपिक में और आगे अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन पार करूं। हाँ जी, दोनों टाइम प्रैक्टिस। ये गेम बहुत पावरफुल गेम है और इसके लिए कंटिन्यू बना हुआ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद वेट लिफ्टर रहा हूँ, काफ़ी टाइम करी है मैंने, यूनिवर्सिटी चैम्पियन भी रहा हूँ मैं फैशन में, और इसमें लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। क्या शेड्यूल रहता है बेटी का? सुबह मॉर्निंग में और शाम को इवनिंग में, दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है, तभी कुछ खिलाड़ी आगे जाके कुछ कर सकता है इसमें। अच्छा, आगे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए और भविष्य ज़्यादा आगे अच्छा है। वेट लिफ्टिंग के अंदर कोशिश करी जाए तो और भी आगे निकल सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। बच्चा मेहनत कर रहा है काफ़ी तरीके। हाँ, अच्छा प्रैक्टिस अच्छी से चल रही है, आगे देखो होता क्या है। आपका भी सपना था वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में जाना? हाँ, मैंने भी कई बार ट्राई करा, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान सक्सेसफुल हो पाए, ये गेम है, कोई आदमी जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं तो उस गेम को बंद कर दें। आप अपनी जीत बच्चों में देखेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कई लड़के हैं, यहाँ से लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो इंटरनेशनल लड़की बनने के इच्छुक भी हैं।